Hey my dear students, what's up? Very morning. Dear, अभी तक हमने दो chapters already cover up कर चुके हैं chapter number one के अंदर और वो topic जो है वो है I hope you have seen already alphabets, यानी वर्णमाला। और आप लोगों को शायद अभी तक समझ में आ चुका होगा कि alphabets क्या होता है। ये हमारे life का बहुत important part है। Language भी हमारे life का बहुत important part है, क्योंकि लैंग्वेज होता क्या है, दो लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का एक जरिया है ना। या कई बार होता है ना, जैसे लैंग्वेज हम बात करके भी समझाते हैं और लैंग्वेज हम इशारों में भी समझाते हैं, राइट। सो ये जो अल्फाबेट्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत ध्यान से हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज का सबसे बेस है। ये अगर हमको क्लियर होना तो हम बड़ी आसानी से आगे के स्टेप्स को फॉलो अप कर सकते हैं। तो अल्फाबेट्स क्या होता है ये हम सीख चुके हैं, अल्फाबेट्स टोटल कितने नंबर्स होते हैं इंग्लिश में वो भी हम सीख चुके हैं। साथ में मैंने आपको इंग्लिश के साथ साथ कुछ अदर लैंग्वेज का भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो शायद आई होप आपको वो मज़ा आता होगा और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता होगा। आज हम सीखेंगे, ये हमारा हो चुका है, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स, यानी अल्फाबेट्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि इस दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लगभग 3000-4000 लैंग्वेजेस, जिसमें से मान्यता जो मिली है, एफिलेशंस जो मिला है वो कुछ ही लैंग्वेज का मिला है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस एक डिस्गिस में है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से लगभग 100-150 के आसपास, 200 के आसपास, 200 के आसपास लैंग्वेजेस को एफिलेटेड मिला है। उसमें से भी शायद उन्होंने मतलब साइट किया है कुछ लैंग्वेजेस को, जैसे 30 या 40 लैंग्वेजेस को ही हमको पता है, राइट। सो हर जो लैंग्वेजेस होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लिखने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, हिंदी में भी अलग होता है, संस्कृत में भी अलग होता है, मराठी में भी अलग होता है, इंग्लिश में भी अलग अलग होता है। तो हम पहले इंग्लिश को फॉलो करते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे खाना भी हम बनाते हैं तो देखने खाना बनाने का भी एक तरीका होता है, पहले सब्जी को अलग अलग काट लो, मसाले को अलग अलग कर लो, फिर उसमें देखें प्रोसेस होता है कि पहले ये सब्जी डालो, फिर ये मसाले डालो, फिर इसको कितने देर तक रखो, यानी हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वैसे लैंग्वेज का भी एक प्रोसेस होता है। तो लैंग्वेज में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स, यानी अल्फाबेट्स कितने टाइप के होते हैं, और ये कौन से अल्फाबेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूँ इंग्लिश अल्फाबेट्स साइड में, इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है ना। बुक्स में तो आपका अल्फाबेट्स मिलेंगे कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, राइट। पर मेरा ये मानना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स को ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है राइटिंग के बेस पर, राइटिंग बेस्ड, और एक होता है प्रोनाउंसिएशन बेस्ड। प्रोनाउंसिएशन बेस्ड है ना। तो एक होता है राइटिंग के बेस पर और एक होता है प्रोनाउंसिएशन के बेस पर। प्रोनाउंसिएशन के बेस पे भी अल्फाबेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है वावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। ये देखो, तो ये हो गया अल्फाबेट्स। प्रोनाउंसिएशन के बेस पर अगर हम देखें तो अल्फाबेट्स दो टाइप के होते हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। है वही इंग्लिश अल्फाबेट्स ही, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट्स को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर
तो प्रोनाउंसिएशन के बेस पर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कुछ में से कुछ वावेल्स होते हैं एंड कुछ कॉन्सनेंट्स होते हैं। राइटिंग के बेस पे भी अल्फाबेट्स दो टाइप के होते हैं इंग्लिश में, तीन टाइप का अगर हम देखें ना तो तीन टाइप का होते हैं। एक होता है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एक होता है कर्सिव, और एक होता है कैलीग्राफी। यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं ना, कैलीग्राफी का इंग्लिश अल्फाबेट अलग होता है, कर्सिव के इंग्लिश अल्फाबेट्स अलग होता है, और प्रिंटिंग के इंग्लिश अल्फाबेट्स अलग होता है। ये तीन प्रोसेस में है वही चीज़, लेकिन उनका जो लिखने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो राइटिंग के बेस पे भी इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उसके अंदर एक प्रिंटिंग अल्फाबेट होते हैं, कर्सिव होता है, कैलीग्राफी होता है। अब इस ये जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और एक होता है स्मॉल लेटर। और इस कर्सिव में भी सेम है, एक है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। कैलीग्राफी में भी सेम है, इसमें भी दो पार्ट होता है, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। तो ये हो गया इंग्लिश अल्फाबेट्स का टाइप्स। यानी अगर हम देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वन एंड टू। फिर इस वन को भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, वन ए बी एंड सी। और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए एंड बी। इस इधर अगर देखें ना तो वावेल में भी दो पार्ट होता है, एक होता है फुल वावेल और एक होता है सेमी वावेल। इस टाइप से वन एंड टू, इस टाइप से। तो ये है इंग्लिश अल्फाबेट्स के टाइप्स, और इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, ये कैलीग्राफी कैसे होते हैं, कर्सिव कैसे होते हैं, प्रिंटिंग का अल्फाबेट्स कैसे होते हैं, या फिर ये जो फुल वावेल है, सेमी वावेल है, ये क्या होता है, या फिर प्रोनाउंसिएशन के अंदर वावेल क्या होता है, या प्रोनाउंसिएशन के अंदर कंसनेंट्स क्या होता है, या फिर राइटिंग बेस्ड अल्फाबेट क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन बेस्ड अल्फाबेट्स क्या होता है, क्योंकि है तो एक ही अल्फाबेट लेकिन उसको यूज के अनुसार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी फिलहाल आप इतना याद रखना, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज अल्फाबेट्स, तो जो मैंने फर्स्ट टाइम सिखाया था वो बता देना, टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं तो जो मैंने बताया वो सिखा देना, इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने टाइप्स के होते हैं तो आपका आंसर देना है एक राइटिंग के बेस पर, एक प्रोनाउंसिएशन के बेस पर। प्रोनाउंसिएशन के बेस पर अल्फाबेट दो होते हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वावेल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फुल वावेल एंड सेमी वावेल, और कॉन्सोनेंट के फिलहाल अभी कोई पार्ट नहीं है। इधर राइटिंग के बेस पर देखें तो हम इंग्लिश जो लिखते हैं वो तीन वेज में लिखते हैं, एक होता है प्रिंटिंग के बेस पर, जैसे अभी मैंने जो लिखा है ये प्रिंटिंग के बेस पर। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कर्सिव राइटिंग कैसे लिखते हैं इंग्लिश में और कैलीग्राफी कैसे लिखते हैं। तो ये जो 26 इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, इसको प्रिंटिंग के बेस पर भी लिख सकते हो, कर्सिव के बेस पर भी लिख सकते हो, और कैलीग्राफी के बेस पर भी लिख सकते हो। स्टीव जॉब्स जो है ना, जो फाउंडर ऑफ एप्पल है, उन्होंने कैलीग्राफी सीखा था, और अधिकतर CBSE जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को है ना, उनको कर्सिव राइटिंग ही सिखाया जाता है। लेकिन 100 में से 70% जो पीपल्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रिंटिंग मेथड में ही इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो लिखा है ये प्रिंटिंग मेथड है ना, और कर्सिव क्या होता है, थोड़ा सा टर्निंग कर, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर सिखाऊंगा कर्सिव राइटिंग कैसे लिखते हैं, और थोड़ा सा स्टाइलिश रहेगा है ना, बुक्स में जो है ना उस बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि मुझे प्रिंटिंग वाला मेथड नहीं आता है, मुझे कर्सिव ही आता है, लेकिन मैं प्रिंटिंग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अगर लेटर्स नहीं दिखा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने प्रिंटिंग मेथड में लिखा है कैपिटल लेटर में।
ताकि आपको यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज वेरी वेल। और कैलीग्राफी भी मैंने सीख रखा है, मैंने एक स्टूडेंट से कैलीग्राफी सीखा था, तो क्योंकि उसको बहुत अच्छे तरीके से आता था कैलीग्राफी, तो मैंने उससे सीखा था। तो कैलीग्राफी भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलीग्राफी लिखते कैसे हैं। तो ये आज का चैप्टर है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स ऑफ अल्फाबेट एंड टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। नेक्स्ट हम अलग टॉपिक करेंगे, एंड तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, सिया सिया।